हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ एक गेमिंग हेडसेट का, जो है HP H100। इसमें माइक्रोफोन भी है और इसका जो प्राइस है वो है 499 रुपीज़। मैं जब खरीदा था उस वक्त, अभी COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो इसका जो लेटेस्ट प्राइस है वो। तो अगर आप 500 रुपीज़ के अंदर एक गेमिंग हेडफोन खरीदना चाहते हो तो HP H100 ये हेडफोन आपके लिए सही है कि नहीं, अगर आपको ये जानना है। अगर आपको एक नॉर्मल हेडफोन भी खरीदना है 500 रुपीज़ के अंदर, अच्छा लुक वाला, जिसमें आप अच्छे से कोई भी काम, नॉर्मल काम आप कर सकते हो, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। यहाँ पे मैं इस HP 100 गेमिंग हेडसेट का अनबॉक्सिंग के साथ साथ फुल रिव्यू करने वाला हूँ। पिछले बहुत महीनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो चलो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आपने अभी तक टेक्नो साजिद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री में है। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है, तो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करो और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो। ओके, तो ये है उसका बॉक्स, तो चलो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। और सील है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है जब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट, इस तरह की प्रोडक्ट में सील होता है, ज़्यादातर नहीं होता। तो चलो लेट्स ओपन इट। सो हेयर इज आवर हेडफोन और इसके अंदर कुछ पेपर वर्क है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये वारंटी कार्ड है, तो इसमें आपको वारंटी भी मिलती है। तो चलो अभी हेडफोन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंपल इसमें बस बबल रैप के मदद से हेडफोन यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वाओ, इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HP 100। इसका ड्राइवर काफ़ी बड़ा है, एग्जैक्टली कितना है मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा दूंगा। और यह है इसका माइक्रोफोन और यहाँ पे इसका जो 3.5mm जैक आप देख सकते हो, यह है अलग से, मतलब ये वाला है हेडफोन के लिए। यहाँ पे आप इसका सिंबल देख सकते हो और ये वाला है माइक्रोफोन के लिए, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्टली फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप फ़ोन में यूज़ करने वाले हो तो आपको एक अडाप्टर लेना पड़ेगा इस तरह का। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नॉब है, तो वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन माइक्रोफोन को आप म्यूट नहीं कर सकते यहाँ से, ठीक है। और ये इतना भी भारी नहीं है, देखने में काफ़ी बड़ा लगता है बट इतना भी भारी नहीं है। और इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे इसका लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है वो नहीं दिख रहा है मुझे, आप देख सकते हो। यहाँ पे इसका लेफ्ट और राइट साइड मेंशन नहीं है, लेकिन बॉक्स में तो लिखा है कि गेमिंग हेडसेट है, तो लेफ्ट राइट के बिना गेमिंग हेडसेट कैसे हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द शेप आपको ये साइड लेफ्ट में जाएगा और ये साइड राइट में जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे पहनोगे तो ये है आपका माइक्रोफोन, अगर आप इसको राइट साइड में पहनोगे तो माइक्रोफोन पीछे की तरफ चला जाएगा। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगा अभी, बट दिस इज़ योर हेडफोन एंड दिस इज़ द माइक, ठीक है। अभी आप अगर इसको ऐसे पहनोगे तो दिस माइक्रोफोन कम्स इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, ओके। और अगर आप इसको ऐसे पहनोगे, मतलब इस साइड को अगर आप राइट साइड में दोगे, तो इसका जो माइक्रोफोन है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। सो लॉजिकली दिस इज़ द लेफ्ट साइड, जिस तरफ ये माइक्रोफोन है, बट यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए था। चलो नाउ इट्स टाइम टू ट्राई दिस। अब बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। पहले गेमिंग में इट्स एवरेज, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो गेमिंग में इसका साउंड क्वालिटी इतना भी अच्छा नहीं है। तो अगर आप गेमिंग के लिए इसको खरीदने की सोच रहे हो तो डोंट बाय इट। अब बात करते हैं नॉर्मल वीडियोस के लिए कैसा है। इट्स जस्ट क्रिस्टल क्लियर। अगर आप नॉर्मल वीडियोज़ के लिए लेते हो तो बहुत अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है, एकदम क्लियर है। मैं इसको 10 out of 10 डेफिनेटली दे सकता हूँ। अब बात करते हैं सॉन्ग्स में इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। मैं सॉन्ग्स वगैरह नहीं सुनता हूँ, मैं मेरे कुछ दोस्तों को बुलाया, उनसे मैं इसको टेस्ट करवाया, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन लोगों ने इसको सॉन्ग्स में 8 out of 10 दिया है, सो इट्स क्वाइट गुड। तो हो गया इसका साउंड क्वालिटी का रिव्यू। अब देखते हैं इसका माइक्रोफोन कैसा है, माइक्रोफोन का टेस्ट अभी कर लेते हैं। चलो तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक्रोफोन से हो रहा है और DSLR से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी मैं इसको स्विच करने वाला हूँ इस माइक्रोफोन पे। तो अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से हो रहा है और आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो। ऑडासिटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पहले जैसे हो रहा था इस जगह पे वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, हालांकि अभी मैं बात कर रहा हूँ।
मुझे पता नहीं आप ये सुन पा रहे हो कि नहीं, तो अभी अगर मैं ऐसे बात करूँ यहाँ पे सामने हाथ रख के, तो अभी आप आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे हो, क्योंकि आप वहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, वो थोड़ा ज़्यादा वो वेव फॉर्म ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आप ऐसे बात करते हो तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी आएगी, पर अगर आप ऐसे बात करोगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर मैं साउंड सेटिंग आपको दिखाऊँ, इसका माइक्रोफोन का जो वॉल्यूम है वो मैं फुल करके रखा हूँ, तो आप उसके बावजूद भी यहाँ पे साउंड क्वालिटी, मतलब साउंड का जो वॉल्यूम है वो आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ से हाथ हटाऊँ तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, और अगर मैं यहाँ पे हाथ रख के बात करता हूँ तो आप अच्छे से सुन पा रहे हो। तो माइक्रोफोन इतना भी अच्छा नहीं है। अगर आप ऐसे गेम खेलते हो, ऐसे कुछ बात करते हो, अगर आप बहुत ज़ोर से बात नहीं करते हो, मतलब बहुत ज़ोर से, मतलब आपको बहुत ज़ोर से बात करना पड़ेगा, नहीं तो वो साउंड नहीं जाएगा। पर अगर आप वॉइस ओवर के लिए यूज़ करते हो तो आप सामने ऐसे हाथ रख के आप बात कर सकते हो, इसका साउंड क्वालिटी अच्छे से आएगा। तो माइक्रोफोन का टेस्ट हो चुका है, तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो अभी फाइनल कंक्लूजन, यह हेडफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो तो दिस हेडफोन इज़ नॉट वर्थ इट। तो आप गेमिंग के लिए प्लीज़ बिल्कुल भी मत खरीदो, प्लीज़ इट्स वेरी बैड। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हो तो बहुत सही है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, गाने सुनते हो थोड़ा बहुत, अगर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए लेना है, नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस देखते हो, तो ये हेडफोन बहुत सही है। 500 रुपीज़ के अंदर ये बहुत अच्छा हेडफोन है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। हालांकि इसका प्राइस अभी थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका होगा COVID-19 और लॉकडाउन की वजह से। अगर इसका प्राइस अभी 700 to 800 रुपीज़ भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वैल्यू फॉर मनी। तो आप इस हेडफोन को खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और माइक्रोफोन की बात करें तो ये बहुत बुरा है, मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर के लिए इसका जो माइक्रोफोन है उसको यूज़ करने वाले हो तो बहुत अच्छा है। तो आपको ऐसे सामने एक हाथ रख के आपको बात करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया, देन द साउंड विल बी क्वाइट गुड। लेकिन अगर आप ऐसे बात करोगे तो साउंड क्वालिटी बहुत घटिया है। तो आप इसको वॉइस ओवर के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये है तो आपको अलग से एक माइक्रोफोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्टार्टअप करने वाले हो, ठीक है। तो चलो, आई होप मैंने आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ समझा दिया। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, आपको कुछ नया जानकारी मिली है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।